अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली दो तरीके से ज्योग्राफी की स्टडी की जाती है। ज्योग्राफी मतलब होता है जियो प्लस ग्राफोस, पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है, टू डिस्क्राइब द सरफेस ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ज्योग्राफी जो नया पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। ज्योग्राफी का जो नया पैटर्न है वो हमें बेसिकली ये बताता है कि आप केवल क्या के बारे में बात नहीं करेंगे, यू डोंट नीड टू फाइंड द एस्पेक्ट्स ऑफ द व्हाट, आपको ये भी एस्पेक्ट फाइंड करना पड़ेगा कि ये यहाँ पर क्यों है, व्हाई। जो नई वाली ज्योग्राफी है, अगर आप लोग सभी लोग इसलिए पढ़ रहे होंगे क्योंकि आपको बेसिकली अच्छे से अच्छा अपना इनपुट देना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो इसका पर्पस क्यों है, व्हाई। तो क्यों का मतलब होता है कि आपको उसके रीजन आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, कारणों को पकड़ना पड़ता है कि इसके कारण मूलभूत क्या है। अब हम इसके आगे चलते हैं और हम लोगों ने देखा कि ज्योग्राफी को पढ़ने के दो तरीके हैं, ठीक है। और मेरा जो ज्योग्राफी है वो पढ़ाने का तरीका जो होगा वो ये रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच आपका क्या है, क्योंकि भूगोल आप कोई ऐसे स्टूडेंट तो हो नहीं जो आर्ट्स की यहाँ पढ़ाई करने आए हो, ठीक है, कोई बीए करने आए हो, आप एक्चुअली आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यहाँ पढ़ाई करने आए हो। तो आपको ये पता होना चाहिए आपका टीचर जो, ये मेरा सेमिनार है, इसका जो पर्पज़ है वो पहली बात तो ये है कि आपका जो प्रशासनिक जो नीड है, जो आवश्यकता है वो क्या है। एक आईएएस ऑफिसर किन चीज़ों को देखता है, एक आईपीएस ऑफिसर के लिए ज्योग्राफी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो हमें बड़े इनपुट अपने आप देने पड़ते हैं। अब ऐसी कंडीशन में जहां हम बात करेंगे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो ये है कि मेरे सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन क्या है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट शुरू करें तो ज़रूर आपसे पूछें कि सर इस सब्जेक्ट को एक आईएएस ऑफिसर के लिए इसकी यूजेज, इसकी उपयोगिता क्या है। तो और हमने देखा कि हमारे पास दो सिस्टम है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, और दूसरा रीजनल अप्रोच। आज भूगोल दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक को हम लोग बोलते हैं तंत्रोपागम और दूसरे को बोलते हैं क्षेत्रीय भूगोल का हम जो है रीजनल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। अब तंत्रोपागम, तंत्र किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय तंत्र, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम। अब देखो तुम लोग एक वर्ड यूज करते हो कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर में क्या होता है, एक कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में एक स्क्रीन होती है, होती है, एक कीबोर्ड होता है, होता है। अगर कीबोर्ड ना हो और आप उसको टाइप करना चाहो कि मेरा नाम, माय नेम इज दिस, क्या टाइप होगा, नहीं टाइप होगा, ठीक है। एक स्क्रीन होगी जो आपने टाइप किया उसको आप देख सकते हो क्या हो रहा है। अंदर एक सीपीयू होता है जो ये सोचता है कि इन्होंने जो टाइप किया उसका मतलब क्या है, उस किस लैंग्वेज में उसको टाइप करना है, यानी उसका दिमाग होता है। उसके बाद आप जो है एक माउस होता है जिसकी वजह से आप कर्सर को इधर से उधर मूवमेंट कराते हो। एक प्रिंटर होता है, प्रिंटर क्या काम करता है, वो जो अभी आप चाहते हो कि भाई मैंने जो टाइप किया मुझे प्रिंट मिल जाए, आप उसको प्रिंट दे देते हो। आपने देखा कि इसमें अलग अलग कंपोनेंट हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, अब डिस्प्ले डिवाइस, सीपीयू, ये सभी मिलकर एक टास्क को पूरा कर रहे हैं। सोचिए कि आपके पास स्क्रीन है, सीपीयू नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहा आप क्या खिटखिट 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 कर रहे हो। कीबोर्ड ले लो, कीबोर्ड ऐसे खिटखिट खिटखिट करते रहो, टाइपिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है, उसके लिए सीपीयू चाहिए। इसका मतलब है कि एक सिस्टम में ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं, अवयव होते हैं, वो अवयव मिलकर एक टास्क को पूरा करते हैं, जो डिजायर टास्क है आपकी उसको पूरा करने का वो काम करते हैं। यही क्या काम होता है, सिस्टम का काम होता है। तो तंत्र का मतलब होता है कि लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, ढेर सारे अवयव, जब किसी टास्क को, डिजायर टास्क जो आपकी इच्छा की टास्क है उसको पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। सबसे अच्छा सिस्टम बॉडी सिस्टम, बॉडी सिस्टम है, ठीक है। अगर मैंने कहा हाथ को इधर ले जाना है तो मेरा दिमाग इसको क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है। अब मेरी बॉडी में, ये बॉडी में क्या है, हाथ है, आंखें हैं, कान है, दिमाग है, ठीक है, इन सभी के अलग अलग काम है, ठीक है। तो कान सुनने का काम कर रहा है, कान बोल नहीं सकता ना, जिस दिन कान बोलेगा उस दिन दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मुंह से मैं सुन नहीं सकता, मुंह से मैं क्या करूंगा, बोलने का काम, आंखें जो है वो सुनेगी नहीं, आंखें देखने का काम करी। एवरी कंपोनेंट हैज डिजायर टास्क, हर कंपोनेंट का एक क्या होता है, एक अवयव का एक खास मकसद होता है। लेकिन अगर मुझे कोई काम करना है, सपोज किसी ने कोई बॉल फेंकी एंड सडनली मैंने कैच किया, तो क्या हुआ होगा जरा मुझे बताओ। तो जब ये बॉल फेंकी गई तो वहां क्या हुआ होगा, वहां एक्चुअली में ये हुआ होगा कि मेरे दिमाग ने पहले अंदाजा लगाया कि बॉल की स्पीड क्या है, बॉल की डायरेक्शन क्या है, यही हो रहा होगा। बॉल, सभी लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, कैच किया होगा कुछ ना कुछ, अगर मान लो अभी कोई मेरी तरफ ये मार्कर फेंको, ठीक है, हल्का सा उसको उछालो, तो मैंने क्या किया, अंदाजा लगाया, मैंने अपने दोनों हाथों, मुझे लगा एक हाथ से मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, मैंने दोनों हाथों को लगाया। लेकिन ये कमांड किसने किया, ये मेरा ये पूरा सिस्टम काम कर रहा था, मेरी आंखों ने देखा कि कोई चीज ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रही है, दिमाग ने अंदाजा लगाया कि इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, ठीक है, दूसरा ये कितनी दूरी पर आएगा, मैंने अपने दोनों हाथों को क्या किया, मेरे दिमाग ने कमांड दिया कि ये डिजायर टास्क को आपको पूरा करना है। सो ये क्या हुआ, फाइनली ये कैच हो गया और टास्क पूरा हो गया। इसका मतलब है कि जो बॉडी के कंपोनेंट्स हैं दे वर्क एज अ ऑर्गेनाइज्ड वे। जब कंपोनेंट यानी अवयव किसी सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं तो वो डिजायर टास्क
पूरा होता है, वो कंप्लीट होता है। तो इसी तरह जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी विभिन्न कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। कैसा कंपोनेंट? ये पर्वत भी तो एक कंपोनेंट है, हवा भी तो एक कंपोनेंट है, ठीक है, पानी भी तो एक कंपोनेंट है, मिट्टी भी एक कंपोनेंट है, पेड़ पौधे भी क्या है, एक कंपोनेंट है। और ये सब मिलकर क्या जनरेट कर रहे हैं? हमारा एनवायरमेंट जनरेट कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और हमारे इसी कंपोनेंट के साथ वो काम कर रहे हैं। मुझे मकान बनाना है, या मान लीजिए किसी को लाल किला बनाना है, तो उसको लाल पत्थरों की जरूरत पड़ेगी ना। लेकिन ये लाल पत्थर मिलेंगे कहाँ से? इसी कंपोनेंट से तो निकल कर आएंगे और मुझे मेरा डिजायर टास्क पूरा करने में मदद करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जैसे हमारा बॉडी सिस्टम है, वैसे ही क्या होता है, ये नेचुरल का भी, नेचर का भी एक बॉडी सिस्टम है। और ये सारी चीजों को जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एक्चुअली में उसके कंपोनेंट्स हैं। चार बेसिक कंपोनेंट है हमारे पास। एक लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मतलब चट्टानी तंत्र। जो ये चट्टान है, ये जो आपकी सरफेस है, जहां पत्थरें देख रहे हो, मिट्टी देख रहे हो, ये लिथोस्फीयर का पार्ट है। दूसरा एटमॉस्फियर, ये वायुमंडल, जो हम हवा अंदर हमारी जा रही है, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हवाएं हमारे काम की नहीं, वो भी, ये सब क्या है? एटमॉस्फियर है। तीसरा सिस्टम हमारा हाइड्रोस्फियर, यानी जलमंडल। जलमंडल यानी कि वो जो पानी बिखरा पड़ा है। और नेक्स्ट वन बायोस्फियर, ठीक है, बायोस्फियर। तो इसको हम लोग जयमंडल कहते हैं। तो बायो का मतलब जैसे हमारी लाइफ है, जानवरों की लाइफ है, कीड़े मकोड़े सब कुछ जिनके अंदर जीवन है, जो ऑर्गेनिक है, तो वो क्या हो गया? जयमंडल। यानी चार मंडलों से मिलकर ये चारों कंपोनेंट होते हैं और चारों के चारों काम करते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि ये जब, अगर सोचो, एक एग्जांपल लेता हूं तुम लोगों से, एक एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं हम लोग, सबसे बेहतरीन एग्जांपल, ठीक है, कि ये कंपोनेंट कैसे काम करते हैं। हमने क्या देखा? तंत्र उपागम के अंतर्गत, यानी कि सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत, विभिन्न अवयव, विभिन्न कंपोनेंट एक साथ मिलजुल कर जो है वो क्या काम करते हैं? डिजायर टास्क को पूरा करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ये रहा समुद्र, कौन सा स्पेयर है? जलमंडल। इसको क्या बोलेंगे? जलमंडल। पहले बनाओ इसको, प्लीज मेक इट। जलमंडल, ये स्थल मंडल, ये वायुमंडल, और ये इसके ऊपर जो जीव जंतु हैं वो जयमंडल। अब समझ में आएगा कि एक्चुअली में कंपोनेंट तंत्र उपागम करता क्या है। अब इस बात का मतलब समझना, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा तंत्र है, सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझो, ये हमारी ज्योग्राफी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि एक्चुअली में सिस्टम अप्रोच करता क्या है। पहले लिखो तंत्र उपागम, हेडिंग डालो सिस्टम अप्रोच। तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम यही अप्रोच लेगा, सिस्टम अप्रोच। देखो, व्हेन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, जब पर्यावरण के विभिन्न अवयव, व्हेन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, जब पर्यावरण के विभिन्न अवयव, जब पर्यावरण के विभिन्न अवयव, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट वर्क टुगेदर, साथ साथ कार्य करते हैं, वर्क टुगेदर इन अ सिंक्रोनाइज्ड वे, इन अ सिंक्रोनाइज्ड वे, जब साथ साथ काम करते हैं और उनका मकसद किसी खास उद्देश्य की पूर्ति होता है, उनका मकसद किसी खास उद्देश्य की पूर्ति होता है, टू फुलफिल डिजायर टास्क, टू फुलफिल डिजायर टास्क, टू फुलफिल डिजायर टास्क, खास उद्देश्य की पूर्ति होता है, तो इसे तंत्र उपागम कहते हैं, नोन एज सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ स्टडी। इसे तंत्र उपागम कहते हैं। उदाहरण के लिए, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, फॉर एग्जांपल फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, बायो ज्योग्राफी, जैव भूगोल, बायो ज्योग्राफी, जैव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, पर्यावरणीय भूगोल। अब जरा इसका महत्व समझने की कोशिश करना, ये कितना डीप और डिजायर टास्क है। बहुत ध्यान से कूल डाउन करो। एक बात तो हमें समझ में आई कि तंत्र कोई एक चीज नहीं होती है, ये डिफरेंट कंपोनेंट का समुच्चय होता है। अगर सोच के देखो कि इन साहब ने मेरी तरफ मारकर फेंका और मेरा हाथ सिंक्रोनाइज नहीं है, सिंक्रोनाइज का मतलब एक वर्ड जो होता है, सिंक्रोनाइज यानी कि एक उद्देश्य के लिए काम करना, मेरा हाथ कहीं और जा रहा है,
ठीक है, और मेरा जो है वो आंखें कहीं और देख रही हैं, क्या मैं अपना टास्क पूरा कर पाऊंगा? नहीं। तो सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक मकसद के लिए काम करना। अब अगर ये सिस्टम काम करा तो दिस इज कंप्लीट नोन एज अ सिस्टम। अब इसमें क्या है, सिस्टम का एक हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं जलमंडल, दिस इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ये आपका एटमॉस्फेयर, इसको वायुमंडल बोलते हैं। लिखो, ये वायुमंडल है, ये जलमंडल है, ये स्थल मंडल है, दिस इज नोन एज लिथोस्फीयर। लिथो मतलब रॉक, दिस इज लिथोस्फीयर एंड दिस वन इज नोन एज बायोस्फीयर, जयमंडल, जिस पे जीवन है वो जयमंडल कहलाता है। ये सीधे सीधे एग्जाम में तुम्हारे सिलेबस में, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल, जल चक्र। जल चक्र इन कंपोनेंट्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको हेडिंग डालो जल चक्र, वाटर साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मेंस में भी और प्री में भी है, दोनों में आता है वाटर साइकिल। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, हमें इस कंपोनेंट को, आपको कंप्यूटर चलाने के लिए क्या चीज चाहिए? एनर्जी। अगर लाइट ना हो तो तुम्हारा डिस्प्ले डिवाइस, तुम्हारा सीपीयू सब धरा रह जाएगा। अगर इस शरीर में प्राण ना हो तो आप उससे उम्मीद करोगे कि बॉल फेंकते रहो, दादाजी बॉल कैच करिए, कैच करिए, दादाजी निकल गए, ठीक है, वो तो हो गया काम खत्म, पैसा हजम। तो यहां पर क्या होगा, यू हैव टू फाइंड आउट एनर्जी। हमारे इस सिस्टम में याद रहेगा कि पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की क्या जरूरत है, ऊर्जा। बिना ऊर्जा के कोई तंत्र जो है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये बात याद रखिएगा। और मेरी ज्योग्राफी इसी वर्ड पर टिकी रहती है, मेरी ज्योग्राफी का बंबू जो है वो तंबू, तीन बंबू पर टिका हुआ है, एनर्जी, मैटर एंड होमियोस्टेसिस। और तुम्हें यही तीन चीज सिखा दूंगा और ये मास्टर की है, तो उसके बाद तुम्हारा होमियोस्टेसिस, समस्थिति, ठीक है, ऊर्जा, द्रव्य और समस्थिति, ये तीन चीज जिस स्टूडेंट को समझ में आ गई उस स्टूडेंट का कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब जरा हम इसके समय, हमें पहली चीज जरूरत होगी एनर्जी, सूरज की रोशनी आती है, ठीक है, हमारे पास हमारी धरातल पर ऊर्जा का स्रोत, ठीक है, सनलाइट। अब सूर्य की ऊर्जा आई, इसने क्या किया, इस वाटर को एनर्जाइज कर दिया। ये वाटर जो लिक्विड फॉर्म में था, जैसे ही उसको ऊर्जा मिली, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में, वेपर में कन्वर्ट हुआ, वाष्प में चला गया। वाष्प में गया तो ये जाकर किससे इंटरेक्ट करता है, ये जलमंडल था, ये जाकर किससे इंटरेक्ट करेगा, किससे अपने जो है वो जुड़ेगा, वायुमंडल से। यानी ये दोनों मंडल आपस में जुड़ गए। अब देखिए प्रकृति का चमत्कार कितना खूबसूरत है, वायुमंडल में जुड़ा, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर गया इसको जो है वो ठंडा होना शुरू हो गया। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हमें ठंड लगती है, पता होगा ये बात। यानी जैसे ही ठंड होगा ये वाटर फिर से वेपर से किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। वेपर से किसमें आ जाएगा, लिक्विड में, यानी वाष्प से जल में कन्वर्ट होगा, और ये क्या बना लेगा, बादल बना लेगा, ठीक है। अच्छा, जब यहां था, अब आप ये देखिए, मान लीजिए हमारे यहाँ हिंद महासागर की बात कर रहा हूँ, इंडियन ओशियन की, और यहां मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दोनों के बीच में हजारों किलोमीटर का अंतर है कि नहीं है। सोच के देखिए, हमें अपने दो मंजिल पे पानी चढ़ाने के लिए हमें मोटर की जरूरत पड़ती है। प्रकृति का स्टाइल देखिए, हजारों किलोमीटर बिना मोटर के ट्रैवलिंग करा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हजारों किलोमीटर इसने कितना, और यहां पर 500 लीटर पानी चढ़ाने के लिए हमें इतनी ऊर्जा जरूरत पड़ती है, यहां लाखों लाखों लीटर जो है पानी एक पॉइंट से, कितना पानी बरसता होगा हर साल, चला सोच के देखिए पूरे भारत में, कितना नेचर के पास कितना बड़ा सिस्टम है, होम्योस्टैटिक सिस्टम है, कितना बड़ा जो है उसने तंत्र बना रखा है कि हजारों हजारों लीटर पानी इतनी दूर ट्रैवल हो रहा है, और कहां तक, हिमालय तक जाके बरस रहा है, कहां हिंद महासागर, कहां कन्याकुमारी, और कहां हिमालय, हजारों किलोमीटर दूरी नेचर कैसे बिना किसी मोटर के, बिना किसी धक्के के, और बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के पहुंचा रही कि नहीं पहुंचा रही है। क्लियर है, ये है नेचर। तो तंत्र उपागम में ये एक साथ काम कर रहे हैं। अब ये गया और ये पानी के रूप में बरस गया, ठीक है, बरस गया, कई किलोमीटर इसने सफर तय किया और बरस गया। जब बरस गया तो ये एटमोस्फियर किसके संपर्क में आ गया, लिथोस्फियर के संपर्क में आया, और इस पर जो नदियां थी, जो जीव जंतु थे, जो फसल थी, जो सारा जो है मनुष्य था, उसको वो पानी मिला कि नहीं मिला। लेकिन इसने अपना चक्र खत्म नहीं किया, पानी हमेशा ढाल के अनुरूप बहता है। तुम कभी भी देखोगे स्लोप होगा, पानी गिराओगे तो क्या होगा, हमेशा अपने स्लोप के अकॉर्डिंग वो फ्लो करेगा। ये फिर बहता हुआ कहां पहुंच गया, जहां से चला था, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज साइकिल। ये शुरू हुआ और ये फिर वापस यहां आ गया, क्लियर। और इसने मिलकर क्या किया, इसने मिलकर पूरा नेचुरल सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया, पूरा नेचुरल सिस्टम। यानी समुद्रों से पानी का जाना, बादलों का बनना, बारिश होना, ऊपर जाए तो मतलब बर्फ गिरना,
फिर से वापस ये हमारे लिथोस्फीयर में आना, नदियों के द्वारा जो है जो रिवर्स हैं वो कटाई करती हैं, गहरे गड्ढे बनाती हैं, तमाम जो है लैंडस्लाइड्स होती हैं, ढेर सारी मिट्टी नीचे आती है, फिर उसके बाद ये हमें जो पानी मिलता है हमारे लिए, हमारी फसलों को पानी मिलता है, पीने के लिए हमें पानी मिलता है, हम उस पर जिंदा रहते हैं। अगर पानी ना हो तो क्या होगा, सब कुछ सारा जलीय जीवन या हम जो है हम नष्ट हो जाएंगे। फिर ये आगे बढ़ता है और फिर ये वापस आता है, उसी सिस्टम में जाकर मिल जाता है। और ये काम करोड़ों सालों से कितनी बड़ी ऊर्जा और कितनी बड़ी मात्रा में मैटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रोटेट किया जाए पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, सोच के देखिए। एंड दिस होल सिस्टम इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फियर, लिथोस्फियर एंड बायोस्फियर इज नोन एज अ सिस्टम। इसी को हम लोग एनवायरमेंट बोलते हैं, पर्यावरण के नाम से जानते हैं। और पर्यावरण में क्या होता है, ये सारे कंपोनेंट एक साथ काम कर रहे हैं। अगर कोई भी एक कंपोनेंट काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, सारे कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? इसी को हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी जल चक्र के नाम से जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र। क्लियर है? तो आपने देखा कि तंत्र उपागम के अंतर्गत वो जो सभी चीज़ें भौतिक हैं वो काम कर रही हैं, शक्तियां काम कर रही हैं, इसमें पावर्स हमारी जो है वो वर्क कर रही हैं। तो ये लगातार क्या होती है, ये लगातार वन टू वन मूवमेंट करता रहता है। क्लियर? अब इसी चीज़ को हम समझते हैं कि हमारे सिलेबस में ये चीज़ कैसे इंपॉर्टेंट रही है। अब जरा देखना यूपीएससी का क्वेश्चन कैसे आया, एक बार हम देखते हैं वहां पे। पिछले कुछ सालों से इसके एक एक कंपोनेंट पे क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, खासतौर पर जब से चेंज हुआ है सिलेबस में तब से। अगर ये सिस्टम मैंने अभी क्या बताया, तुम्हारा कंसर्न क्या है, तुम्हारा कंसर्न केवल इनकी जानकारी नहीं है, इनकी जानकारी के साथ इनको बचाने का तरीका भी तुम्हें जानना चाहिए। बीए में जो पढ़ाया जाता है तो बीए या जो आपका जहाँ पे आर्ट्स पढ़ाया जाता है भूगोल, उनका एक ही पर्पज़ होता है कि तुम इसकी जानकारी रख लो। लेकिन इसके आगे यूपीएससी है, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। एक आईएएस ऑफिसर से उम्मीद की जाती है कि इस सिस्टम को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको पावर्स इसीलिए दी जा रही है, आपकी क्रिएटिविटी इसी बात के लिए तय हो रही है। और ये बहुत से बच्चे ये नहीं जानते कि भूगोल पढ़ने का दूसरा तरीका क्या है, और आज यही मैं एस्टैब्लिश करना जा रहा हूँ। हमें ये पता चल जाता है, किसी को भी पता हो कि भाई ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, समुद्री धाराएं चलती हैं, ओशनिक करंट चलता है, समुद्र का बनाए रखना। लेकिन आप आज देखिए, आज इस तरह के क्वेश्चन कम आ रहे हैं। क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर समुद्र खारे ज़्यादा हो गए, समुद्रों में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, एसिडिटी ज़्यादा हो गई, तो बताओ कि बादलों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया तो हमारे जो है वो बायोलॉजिकल साइकिल पे क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन अभी ये नहीं बना रहे कि हवा कौन सी चल रही है, किधर से किधर जा रही है, पहले क्वेश्चन बनाते थे। अब ये क्वेश्चन बना रहे हैं कि अगर तुम्हारा मानसून इफेक्ट हो रहा है तो उससे तुम्हारे जो बायोजोग्राफी है उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हम क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं, यानी कि मेघ बीजन कर सकते हैं। इसी बार का क्वेश्चन आया था, पर्ल क्लाउड का क्वेश्चन आया था, उसने पूछा कि एक बादल ऐसा है जिसकी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग कम कर सकते हैं, ठीक है, पूछा था ना इस बार का क्वेश्चन, कि एक बादल ऐसा है कि हम उसको एक टेक्नोलॉजी ऐसे में इस्तेमाल करें, हम जो है उसका इस्तेमाल करके हम वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, वो बादल क्या होगा, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, गर्मी कम पहुंचेगी तो हमारे यहाँ गर्मी कम हो पाएगी, ठीक है। तो पक्षाप में एक साइरस क्लाउड, तो अब जो क्वेश्चन है वो अप्लीकेबल पार्ट पूछ रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं यहां पर पहुंचे कि अगर तुम्हारी पानी की मात्रा कम हो जाए या गुणवत्ता कम हो जाए तो जैवमंडल पे यानी कि जो है बायोजोग्राफी पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी अप्लीकेबल पार्ट पूछ रहे हैं। अब आपका जो काम रहेगा वो इन चारों को बचाने का उपाय आपको ढूंढना जरूरी है। यही आज का नया यूपीएससी है, यानी अब वो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। अभी पहले क्वेश्चन आता था, बताओ कैनरी की धारा कहां से चलती है, स्टूडेंट भी टिक मार देता था अफ्रीका के कोस्ट से, बहुत हो गया काम, नहीं पूछ रहा है। अभी तो उसने इतना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा कि अगर समुद्रों का तापमान और अधिक बढ़ जाए तो उससे क्लाउड सीडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा। बोला अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से एसिडिटी बढ़ जाए तो उसका हमारे एनवायरमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट परेशान कि यार ये कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये एप्लीकेबल पार्ट है, क्योंकि तुम्हारा काम इनकी जानकारी के साथ साथ इनको बचाने के तरीकों का इस्तेमाल करना भी सीखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और यही इसी तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। क्लियर? बताऊंगा, ठीक है। जो साइरस उसने पूछा, सबसे ऊपर बादल पाया जाता है, कई बच्चों ने उसको गलत कर दिया, उसने लिख दिया कि इससे जो है बारिश ज्यादा हो जाएगी, साइरस कभी बारिश करता ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो किताबों में जल्दी आपको मिलेंगे ही नहीं, वो कंटेम्प्रोरी है, वो डिस्कशन से आ रहा है। क्योंकि स्टूडेंट को पहले दिन मुझे पता होना चाहिए कि मेरा पर्पज क्या पढ़ने का। मेरा पर्पज सिर्फ इसकी नॉलेज लेना नहीं है, मुझे इन सभी सिस्टम्स को बचाने का प्रयास करना। और नहीं हो तो अभी प्रीवियस ईयर पेपर लाओ तो मैं सामने खुलवा देता हूँ। मोस्टली क्वेश्चन जीव जंतुओं को बचाने को लेकर, बायोस्फीयर को बचाने को लेकर, प्रदूषण को कम करने को लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने को लेकर, ग्रीन हाउस को हटाने को लेकर, मेथेन को कम करने को लेकर, यही क्वेश्चन बने हुए हैं लगातार। स्टूडेंट कहता है पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसको उद्देश्य पता होना चाहिए कि मुझे अब इन भौतिक भूगोल में इन चारों सिस्टम की जानकारी के साथ साथ
मुझे इनको बचाने के तरीके भी आने चाहिए। क्योंकि अब एक बात मुझे तुम्हें समझ में आ गई होगी कि सिस्टम, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, और अगर सिस्टम में एक भी कंपोनेंट खराब हुआ तो ये सिस्टम अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये सिस्टम क्या है, मैंने अभी क्या बताया, इन सिंक्रोनाइज वे, कि मान लीजिए अभी मैंने देखा कि इन्होंने मुझे कोई सामान फेंका और मेरा हाथ ही नहीं काम कर रहा है, मेरा हाथ जो है वो ऑर्डर ही नहीं मेरे सुन रहा है, देन मैं क्या उस बात को उसको पकड़ पाऊंगा, नहीं पकड़ पाऊंगा। तो आई विल नॉट कंप्लीट माई ओन डिजायर टास्क, मैं अपना काम पूरा नहीं कर सकता। अब इसमें बताओ कोई भी एक कंपोनेंट अगर डिस्टर्ब हो जाए तो सारे कंपोनेंट, और हम मानो हमारी अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि आपके पास सिर्फ एक दुनिया में दो दिन पानी ना रह जाए, कौन जीवित रहेगा, नोबडी, आबादी खत्म। और इस पूरे सिस्टम में अब जैसे आज हमारा मुख्य खाद्य पदार्थ हम भोजन, अभी हमारे पास है कृषि, सारी की सारी मिट्टी खराब हो जाए तब हो ही रही है। पंजाब में आप देखिए, पंजाब में किसान पहली बार आत्महत्या कर रहा है, अभी तक उसने आत्महत्या नहीं की थी। पश्चिमी पंजाब का पूरा हिस्सा ऊसर हो गया है, मिट्टी खराब हो गई है, वहां फसल नहीं हो रही है, किसान ने कर्जा लेके वहां फसल उगाई, फसल पूरी की पूरी खराब, आत्महत्या कर रहे हैं। अगर मिट्टी खराब हो जाए तो हमारी फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब हम तंत्र उपागम में पढ़ते हैं तो हमें हॉलिस्टिक अप्रोच की जरूरत पड़ती है, यानी एक वृहद दृष्टिकोण की। इसमें किसी भी एक कंपोनेंट की गड़बड़ी जो है बर्दाश्त नहीं की जा सकती, पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। होगा, पर्पस समझ में आया कि हमारे लिए सिस्टम अप्रोच क्यों इतना इंपॉर्टेंट है।